नमस्कार दोस्तों, हर दिन पावन श्रृंखला की आज 14 अप्रैल की कड़ी में हम याद कर रहे हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री रामजी सकपाल तथा माता भीमाबाई धर्मप्रेमी दंपति थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। इस कारण भीमराव को कदम कदम पर असमानता और अपमान सहना पड़ा। इससे उनके मन का संकल्प क्रमशः दृढ़ होता गया कि उन्हें इस बीमारी को भारत से दूर करना है। विद्यालय में उन्हें सबसे अलग बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर अलग रखे घड़े से पानी पीना पड़ता था। एक बार वे बैलगाड़ी में बैठ गए तो उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया। वह संस्कृत पढ़ना चाहते थे पर कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। एक बार वर्षा में वह एक घर की दीवार से लगकर बौछार से स्वयं को बचाने लगे तो मकान मालकिन ने उन्हें कीचड़ में धकेल दिया। इतने भेदभाव सहकर भी भीमराव ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। गरीबी के कारण उनकी अधिकांश पढ़ाई मिट्टी के तेल की डिबरी के प्रकाश में हुई। यद्यपि सतारा के उनके अध्यापक श्री अंबा वाडेकर, श्री पेंट से तथा मुंबई के कृष्णा जी केलुस्कर ने उन्हें भरपूर सहयोग भी दिया। जब वे महाराजा बड़ौदरा के सैनिक सचिव के नाते काम करते थे तो चपड़ासी उन्हें फाइल फेंक कर देता था। यह देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी तथा मुंबई में प्राध्यापक हो गए। 1923 में वे लंदन से बैरिस्टर की उपाधि लेकर भारत वापस आए और वकालत करने लगे। इसी साल वे मुंबई विधानसभा के लिए भी निर्वाचित हुए, पर छुआछूत की बीमारी ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1924 में भीमराव ने निर्धन और निर्बलों के उत्थान हेतु बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1926 में महाड़ के चावदार तालाब से यह संघर्ष प्रारंभ हुआ। जिस तालाब से पशु भी पानी पी सकते थे, उससे पानी लेने की अछूत वर्गों को मनाही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए संघर्ष किया और उन्हें सफलता मिली। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी तथा मूक नायक नामक पाक्षिक पत्र भी निकाला। इसी प्रकार 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर उन्होंने सत्याग्रह एवं संघर्ष किया। उन्होंने पूछा कि यदि भगवान सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ लोगों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता। अछूत वर्गों के अधिकारों के लिए उन्होंने कई बार कांग्रेस तथा ब्रिटिश शासन से संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में विधि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। भारत का नया संविधान बनाने के लिए गठित समिति में वे अध्यक्ष थे। इस नाते उन्हें आधुनिक मनु कहना उचित ही है। संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध बनाने के बाद भी वह समाज में बहुत गहराई से जमी थी। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। अंततः उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निश्चय किया। यह जानकारी होते ही ईसाई और मुसलमान नेता उनके पास तरह तरह के प्रलोभन लेकर पहुंच गए। पर भारत भक्त डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि इन विदेशी मजहबों में जाने का अर्थ देश से द्रोह है। अतः विजयदशमी यानी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपनी पत्नी तथा हजारों अनुयायियों के साथ उन्होंने भारत में जन्मे बौद्ध मत को अंगीकार किया। यह भारत तथा हिंदू समाज पर उनका बहुत बड़ा उपकार है। 6 दिसंबर 1956 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।